हेलो एवरीवन। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रस्ट। ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम की हमारी बात चल रही है कुछ लेक्चर से, जिसमें कुछ नंबर ऑफ लेक्चर्स मैंने आपको बताया कि किस तरीके से किसी ट्रस्ट के ऊपर, किसी मेंबर के ऊपर, अननोन मेंबर के ऊपर फोर्स को फाइंड आउट किया जाए। तो ये एक और ट्रस्ट मेरे पास है और इसमें ये क्या बोल रहा है कि द फोर्स इन द मेंबर ए बी, आपको क्या बोलना है। ये एक बड़ा सा ट्रस्ट दिया है और इस ए बी मेंबर के ऊपर फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है, इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है आपका। और ऑप्शंस में दिया है 5 किलो न्यूटन होगा, 2 किलो न्यूटन होगा, 0 होगा या 7 किलो न्यूटन। तो अगर मैं बात करूं ए बी मेंबर की, तो वैसे तो मेरे को समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर 0 फोर्स आना चाहिए। उसका रीजन है कि अगर मैं ए बी मेंबर की बात करूं, बी ज्वाइंट पे भी बात करूं, तो बी ज्वाइंट पे वर्टिकल लोडिंग, तो इस वर्टिकल लोडिंग का पूरा इफेक्ट जाएगा बी से इस वर्टिकल मेंबर पे, तो हॉरिजॉन्टल मेंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन फिर एक कंडीशन ऐसी भी लगती है कि यहाँ पे जो मेंबर के ऊपर लोड है इससे इस मेंबर में आएगा, इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिसॉल्व होगा, तो मे भी आ सकता है। तो अपन इसको एक काम करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करके देखें। कैसे देखेंगे इसको? अपन सॉल्व करने के लिए अपन ज्वाइंट ले लेते हैं, ज्वाइंट बी ले सकते हैं, बिकॉज उस पर सिर्फ दो ही मेंबर, एक ये वर्टिकल मेंबर है और एक ये हॉरिजॉन्टल मेंबर, जिसमें ये बी ज्वाइंट है आपका, आपका ये फोर्स आ रहा है एक ही तरफ, मतलब एफ बी ए हो जाएगा या ए बी बोल दीजिए, और दूसरा एक ये मेंबर जा रहा है, इसको अपन सी मेंबर बोल देते हैं। तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा एफ बी सी। इस ज्वाइंट पे एक लोड भी दिया हुआ है वर्टिकल, वो कितना दिया है 5 किलो न्यूटन का। और मुझे किस मेंबर के ऊपर फोर्स निकालना है? मुझे निकालना है बी ए के ऊपर या ए बी के ऊपर। तो ए बी क्या है? हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब मैं यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन लूंगा, बोलूंगा समेशन ऑफ एच इक्वल जीरो, क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे निकाल। तो समेशन एच इक्वल जीरो की अगर मैं बात करूं, तो जितने भी हॉरिजॉन्टल जाने वाले फोर्सेज हैं उनका समेशन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या जा रहा है? एक तो एबी एफ बी ए जा रहा है, जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप इसको माइनस लेना है माइनस ले लो, प्लस लेना है प्लस ले लो, ठीक है। तो मैं इस तरफ जा रहा है, मैं बोल देता हूँ माइनस बोल देता हूँ, चलिए एफ बी ए। इसके अलावा कोई फोर्स जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? नहीं जा रहा है, इसका मतलब इक्वल जीरो। तो एफ बी ए ये माइनस उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो जीरो, एफ बी ए की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। इसका मतलब जीरो इज द राइट आंसर। इसका आंसर कितना है? वो है जीरो। तो जीरो इसका आंसर होगा जो बी ए मेंबर के ऊपर, जो कि हमें डायरेक्टली भी समझ में आ रहा था, बट अगर सिंगल ज्वाइंट दिया है तो आप सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज इतना बड़ा ट्रस्ट देख के पहले हमें थोड़ा टेंशन हो जाता है कि आंसर क्या हो सकता है। बट आप इजिली कुछ नहीं करिए, दो मेंबर हैं, डायरेक्टली ज्वाइंट को लीजिए और इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट आपके पास कंफर्म आंसर मिल जाएगा, जो कि जीरो इसका आंसर होगा, राइट। अब इसी तरीके से मेरे पास एक और क्वेश्चन यहाँ पे, फोर्स इन मेंबर बी डी पूछ रहा है इस ट्रस्ट के ऊपर। बी डी मतलब बी से डी, ये वाले मेंबर के ऊपर पूछ रहा है। ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है 4 किलो न्यूटन टेंशन में, 4 किलो न्यूटन कंप्रेशन में, 0 और डी। अब यहाँ पे भी एक जीरो ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं है कि हर ट्रस्ट में ही जीरो आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट में जीरो हो सकता है, बिकॉज अगर आप देखें तो मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे दो लीनियर मेंबर है और एक जो मेंबर है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसी के ऊपर लोड लग रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा लोड इस पर ट्रांसफर होगा। तो मतलब इसके और इसके ऊपर मेंबर बी डी की वैल्यू तो इस पर ट्रांसफर होगा, तो इसका मतलब बी डी के ऊपर वैल्यू आ सकती है और बी डी के ऊपर ही आपको निकालनी, और आंसर अब इसका जीरो है या क्या है। तो अब एक तरीके से बी डी के ऊपर आ रहा है, तो आप ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं कि ये मेंबर एक दूसरे के पैरेलल हैं और इस पर डायरेक्ट फोर्स जाएगा बी डी, तो बी डी के ऊपर डायरेक्टली 4 किलो न्यूटन का लोड आ जाएगा। अब वो कंप्रेशन या टेंशन, तो ये 4 किलो न्यूटन का आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में आएगा, 2 बट द ज्वाइंट आएगा, तो 2 बट द ज्वाइंट मतलब माइनस होता है, मतलब माइनस का 4 किलो न्यूटन मतलब माइनस मतलब कंप्रेशन, तो इसका आंसर होना चाहिए बी। अगर मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं तो उसके बेसिस पे मेरा आंसर यहां पे बी होना चाहिए, 4 किलो न्यूटन कंप्रेशन। और अगर मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊं तो क्या हो सकता है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो चेक कर लेते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने लगाया वो सही है कि नहीं। तो क्या करिए, बी ज्वाइंट को डायरेक्ट ले लीजिए, ज्वाइंट बी को ले लीजिए आप, ज्वाइंट बी। अब आप बोलेंगे कि सर ज्वाइंट बी कैसे ले सकते हो, यहाँ पे तो तीन मेंबर हैं और तीनों मेंबर के ऊपर आपको फोर्स नहीं पता। तो मैं ये बोलूंगा कि इस यहाँ पे मैं इस बेसिस पे ले रहा हूं, मुझे वर्टिकल मेंबर के ऊपर फोर्स चाहिए, दो मेंबर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसका मतलब दो, जब समीशन हॉरिजॉन्टल की कंडीशन लगाऊंगा तो ये दो मेंबर अननोन हो जाएंगे, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे, लेकिन वर्टिकल की कंडीशन लगाऊंगा तो वर्टिकल कंडीशन में सिर्फ एक मेंबर है वो सॉल्व हो जाएगा, और मुझे उस पर ही आंसर चाहिए, इसलिए मैं ज्वाइंट यहाँ पे बी ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइंट बी इसलिए लिया, तो बी ज्वाइंट को लूंगा, तो ये एक मेंबर है, ये ज्वाइंट बी है, और यहाँ से एक मेंबर गया जिसको आपने डी पॉइंट पे ले जाके खत्म किया, तो ये आपका बी ज्वाइंट है।
इस पे एक लोड भी लगा हुआ है, वो है 4 किलो न्यूटन का। बी के राइट में अगर देखूं तो बी सी मेंबर है, और लेफ्ट में देखता हूं तो ए मेंबर है। इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। एरो टूवर्ड द ज्वाइंट अपन लेते हैं हमेशा, सॉरी अवे फ्रॉम द ज्वाइंट लेते हैं, क्योंकि हम टेंशन मान के चलते हैं जब भी हम मेथड ऑफ ज्वाइंट की बात करते हैं। तो हमने अवे फ्रॉम द ज्वाइंट ले लिया। अब इस मेंबर के ऊपर जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा एफ बी सी, इस मेंबर पे फोर्स हो जाएगा एफ बी ए, और इस मेंबर पे फोर्स हो जाएगा एफ बी डी। अब मैं यहाँ पे रिजॉल्व करता हूँ, तो सॉल्व करता हूँ फोर्सेस को, तो मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगा समेशन ऑफ वी इक्वल जीरो वाली, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी टू इक्वल जीरो। क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मुझे बी डी मेंबर पे चाहिए, तो मुझे सिर्फ वर्टिकल मेंबर से मतलब है, इन हॉरिजॉन्टल मेंबर से कोई लेना देना नहीं है मेरा। तो अगर मैं वर्टिकल मेंबर की बात करूँ तो वर्टिकल में एक डाउनवर्ड जा रहे हैं, डाउनवर्ड मतलब माइनस ले लेते हैं, नीचे जाने वाले को माइनस बोल देते हैं, ऊपर जाने वाले को प्लस बोल देते हैं। नीचे जाने वाला माइनस एफ बी डी जा रहा है तो माइनस में, और एक 4 किलो न्यूटन का लोड भी नीचे जा रहा है तो माइनस में 4 किलो न्यूटन। इक्वल क्या बोल रहा है? जीरो, क्योंकि इसके अलावा कोई वर्टिकल लोड है नहीं। तो यहाँ पे एफ बी डी इक्वल, ये 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, लेकिन ये माइनस इधर रहेगा किलो न्यूटन। इसका मतलब एफ बी डी की वैल्यू, बी डी -4 किलो न्यूटन आ रही है, और माइनस मतलब क्या होता है? माइनस मतलब होता है कंप्रेशन। और मैंने आपसे क्या बोला था कि हमारा आंसर होना चाहिए 4 किलो न्यूटन कंप्रेशन। तो बेसिकली वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से हमें समझ में आ रहा था कि इस पॉइंट पे डायरेक्ट लोड लग रहा है, पूरा का पूरा लोड बीडी वियर करेगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में टूवर्ड द ज्वाइंट आएगा, मतलब माइनस। तो वैसे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था, तो कम टाइम रहे तो डायरेक्टली लगा सकते हो, लेकिन अगर उसको क्लियर करना है कि वो सही है कि नहीं, तो इस तरीके से आप ज्वाइंट को लेके सॉल्व भी कर सकते हो। तो इस तरीके से बेसिकली इसको सॉल्व करना था। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस की और बात करेंगे। थैंक यू।